Who said Milton was the poetical son of Spencer? किसने कहा है कि Milton was the poetical son of Spencer? John Dryden, Pope, Johnson, Jonathan Swift और Dr. Johnson. तो दोस्तों सही आंसर है John Dryden. John Dryden ने कहा है Milton was the poetical son of Spencer. Milton was the poetical son of Spencer. तो ये John Dryden ने ये statement दिया है दोस्तों John Dryden ने. दोस्तों एक चीज और आपसे कहनी है, मैंने आपको ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया था कि लिटरेचर को लेकर के किसी भी क्वेश्चन पर जो भी आपके डाउट है, तो वो जो डाउट वाले क्वेश्चन है वो आप एक पेपर पर एक नोट पर आप नोट कर लीजिए, उनको सभी को एक जगह लिख लीजिए और आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि सभी क्वेश्चंस का जो डाउट है वो मैं एक वीडियो में क्लियर कर दूं. तो आप प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप अपने सभी डाउट्स को एक पेपर पर नोट करके उन सभी क्वेश्चंस को आप लिख करके रखें और मेरे को व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं ताकि मैं उनका सही समय आने पर एक वीडियो बना दूं और सभी डाउट्स को मैं आपके क्लियर कर दूं. मुझे उम्मीद है आपने ग्रुप में मैसेज भी ये पढ़ा होगा. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है ये कहां से ली गई है? हाउ सून हैव टाइम, द सटल थीफ ऑफ यूथ, स्टोलन ऑन हिज विंग, माई 23rd ईयर. देखिए 20th ईयर की बात आ रही है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा लाइन को, अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा ऑन इज बीइंग अराइव्ड एट टू द एज ऑफ 23. तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मैसेकर एट पिडीमाउंथ, लिसिडास, ये लाइन पूछा गया है कि ये लाइन कहां से ली गई है. इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, तो कनेक्ट अगर आप इसको कर रहे होंगे. द सटल थीफ ऑफ द यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माय 23rd ईयर. देखिए 23rd ईयर यहां पर कहा जा रहा है, तो ये लाइन कहां से ली गई है, अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों. तो ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, ये इनका वर्क भी है दोस्तों, याद रखिएगा, इसी से ये जो सेंटेंस है इसको लिया गया है. In which sonnet of Milton does the following line occur? They also serve who only stand and wait. ये पूछा गया है कि ये जो लाइन है ये कौन से सोनेट से ली गई है. They also serve, वे भी उसकी सच्ची सेवा करते हैं जो केवल उसके आदेश के इंतजार में अपने स्थान पर खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए वहां पर वो ये उम्मीद बनाए रखते हैं कि ईश्वर जब कभी मुझे आदेश देगा तो मैं उसका हृदय से उसकी सेवा करूंगा. तो मिल्टन ने यहां पर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसा नहीं है जो लोग वर्क कर रहे हैं वे ही भगवान की सच्ची सेवा कर रहे हैं, बल्कि वे लोग भी भगवान की सच्ची सेवा कर रहे हैं जो अपने स्थान पर खड़े होकर के अपने बारी का, अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं. तो दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज ए लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम Fame is the spur. दोस्तों इंपॉर्टेंट है, fame is the spur that the clear spirit doth raise to scorn delight and live laborious days. यहां पर S होगा दोस्तों, days. तो important line है ये, पूछा गया fame is the spur, आप इतना connect कीजिए, fame is the spur that the clear spirit doth raise to scorn delights एंड लिव लेबोरियस डेज. दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कोट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कहां से लिया गया है. और वैसे तो अगर आप थोड़ा सा आईक्यू अपना डेवलप करेंगे तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा. फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डथ रेज टू स्कॉन डिलाइट एंड लिव लेबोरियस डेज. दिस इज द लाइन दोस्तों फ्रॉम लिसिडास, ये लिसिडास की लाइन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लिसिडास की लाइन है, याद रखिएगा. फेम इज द स्पर. इन हिज सोनेट
methought I saw my late espoused saint Milton celebrates his first wife, second wife, third wife, his girlfriend. Oh my God. तो यहां पर आपसे पूछा गया है मिल्टन का जो सोनेट है मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, तो इसमें वो अपनी किस वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको मैंने बता दिया है, कई बार ये सेंटेंस आ गया है तो याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं वो, हिज फर्स्ट वाइफ, हिज सेकेंड वाइफ, हिज थर्ड वाइफ। Yes, his second wife. वो अपनी second wife की बात कर रहे हैं। उन्होंने methought I saw my late spouse saint means अपनी second wife का जिक्र किया है। मिल्टन की मैरिज जरूर याद रखिएगा, मैंने आपको ये सभी पहले बता दिया है कब कब इनकी मैरिज हुई है, कौन कौन इनकी वाइफ है। In which poem Milton has given his views on poetry? दोस्तों बहुत ही important question है कि अपने किस वर्क में मिल्टन ने पोएट्री पर अपने थॉट्स दिए हैं, अपने विचार दिए हैं। तो इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिसिडास में इन्होंने अपने जो थॉट्स हैं वो दिए हैं पोएट्री के ऊपर। तो याद रखिएगा दोस्तों, द व्यूज ऑफ जॉन मिल्टन अबाउट पोएट्री इज गिवन इन द लिसिडास। जो पास्टर एलिजी है इनकी 1637 में, तो एडवर्ड किंग की मृत्यु पर, तो इसमें इन्होंने अपने विचार जो है वो पोएट्री के ऊपर दिए हैं। मिल्टन्स व्यूज ऑन पोएट्री इज गिवन इन लिसिडास। द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज, एल एलिग्रो का मीनिंग क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, आपको जरूर ये याद होना चाहिए। देखिए हैप्पी एंड चीयरफुल, हैप्पी ए हैप्पी मैन भी लिखा आ सकता है, ए चीयरफुल मैन भी लिखा आ सकता है, दोनों ही अलग अलग आ सकते हैं, इनको याद रखिएगा। और भी ए जॉयस मैन भी आ सकता है, मीन्स अगर पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स का प्रयोग करके लिखा हो तो आप समझ जाइएगा एल एलिग्रो का मीनिंग है एक प्रसन्न व्यक्ति, एक खुश युवा। ठीक है, तो ए चीयरफुल मैन, ए हैप्पी मैन, ए जॉयस मैन, ठीक है, ये सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं। वो शब्द चेंज कर देगा तो आप समझ जाइएगा, आपको अर्थ पता होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ इल पेंसुरेसो, देखिए इसका मीनिंग भी पूछ लिया गया है कि इल पेंसुरेसो का क्या मीनिंग है दोस्तों। तो एल एलेग्रो का मीनिंग था हैप्पी मैन, इल पेंसुरेसो का मीनिंग है दोस्तों ए सैड मैन, ए थॉटफुल मैन, ए पेंसिव मैन। तो याद रखिएगा ए पेंसिव मैन, ए थॉटफुल मैन, ए ग्रेव मैन, इस तरह से अगर आंसर दे दे तो उनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, सही आंसर वही होगा पेंसिव मैन, पेंसिव मैन, थॉटफुल मैन, ए ग्रेव मैन, ये सभी मीनिंग है किसके, पेंसुरेसो के, इल पेंसुरेसो के दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। The title of El Allegro Il Pensieroso are taken from musicology. जो title है El Allegro Il Pensieroso का वो musicology से लिया गया है दोस्तों। Simple question है, आपको बस इतना ही याद रखना है El Allegro and Il Pensieroso are taken from musicology. Who said about Milton, this man cuts us all out? एंड द एंशियंट टू, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, याद कर लीजिएगा और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भी आपको ये याद करा दूंगा, बड़ी आसानी से अभी आपको याद हो जाएगा। देखिए जॉन ड्राइडन, ये जो कोट है दोस्तों ये जॉन ड्राइडन का कोट है। जॉन ड्राइडन कहते हैं मिल्टन के बारे में, दिस मैन, इस आदमी ने कट्स अस ऑल आउट, इनने हमको सबको कट कर दिया है, एंड द एंशियंट टू, और जो हमारे पूर्वज हमारे प्राचीन थे, प्राचीन कवि थे, उन सभी को भी इसने गायब कर दिया है, मींस उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अब मिल्टन की है। तो ये बात जॉन ड्राइडन ने कही है, अब आपको याद कैसे रखना है दोस्तों, देखिए यहां पे आ रहा है ऑल आउट, ऑल आउट, तो आप जानते हैं ऑल आउट क्या होता है, तो ऑल आउट कौन लेकर के आएगा, इस तरह याद कर लीजिए जॉन ड्राइडन, ऑल आउट कौन लेकर के आया है, जॉन ड्राइडन लेकर के आया है।
तो उस तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए. तो दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू, इट इज सेड बाय जॉन ब्राइडन एंड इट इज रिटन अबाउट जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन के बारे में जॉन ब्राइडन ने कहा है कि इस व्यक्ति ने हम सबको कट कर दिया है. तो दिस मैन कट्स अस ऑल आउट ट्रिक के माध्यम से आप याद रखें, ऑल आउट कौन लेके आए हैं, जॉन ब्राइडन भी लेके, जॉन ब्राइडन लेकर के आए हैं. Which poem of John Milton are full of Elizabethan spirit, joyous in nature? दोस्तों कौन सी कविताएं जो है Elizabethan spirit से भरी हुई हैं, joyous हैं, उनकी जो प्रकृति है वो खुशी प्रदान करने वाली है, कौन सी कविताएं हैं ऐसी? तो बहुत ही important ये question है और इस period के बारे में मुझे नहीं लगता मैंने आपको बहुत ज्यादा कुछ बताया है. Horton period, हाँ बायोग्राफी में मैंने जरूर आपको बताया कि हॉटन पीरियड कब से कब तक इनका माना जाता है, 1632 से 1637 तक का जो पीरियड है दोस्तों वो इनका हॉटन पीरियड कहलाता है, 1632 से 1633 तक. याद रखिएगा 1632 से 1637 तक का जो पीरियड है दोस्तों हॉटन पीरियड कहा जाता है. और इसी में इन्होंने आर्केड्स, कॉमस, लेसिडास, इल्पेंसोरेसो आदि रचनाएं इन्होंने लिखी हैं दोस्तों. तो याद रखिएगा 1632 से 1637 का जो पीरियड है वो इनका सबसे अच्छा पीरियड कहा जाता है इनकी कविताओं का, और जो कविताएं हैं उनमें एलिजाबेथन स्पिरिट देखने को मिलती है. Which one of these described Milton Paradise Lost as the dream of a Puritan? बहुत ही important quote है दोस्तों कि किसने Milton के बारे में कहा है, Milton के Paradise के बारे में, Paradise Lost के बारे में कहा है कि ये जो Paradise Lost है ये है the dream of a Puritan, एक सपना है एक Puritan का, एक सुधारवादी का, fallen asleep जो सो गया है over his Bible, अपने Bible के ऊपर सर रख करके, और वो ड्रीम देख रहा है और ड्रीम में वो अपनी रचना का वर्णन करता जा रहा है. तो किसने कहा है कि मिल्टन यानी कि प्यूरिटन एक बाइबल पर, अपनी बाइबल पर सर रख करके सो गया है और सोते हुए वो जो सपना देख रहा है दैट इज कन्वर्टेड इनटू पैराडाइज लॉस्ट. तो पैराडाइज लॉस्ट ये लाइन दोस्तों लैमरटाइन ने कहा है, ये भी मैं आपको यहीं पे ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूं, बहुत आसानी से याद रखिएगा इसको, एक बार चेक कर लेते हैं. यस सही आंसर है लैमरटाइन. तो देखिए कैसे आपको याद करना है, किसने मिल्टन के बारे में कहा है, द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फलन एस्लीप ओवर हिज ओवाइबल. तो देखिए दोस्तों फलन एस्लीप, एस्लीप फलन एस्लीप का मतलब होता है लगभग मर जाना, सो जाना, और यहां पे आ रहा लैमरटाइन, तो इससे आप कनेक्ट कर लीजिए लैमरटाइन, मर मींस मर जाना, फैलन एस्लीप का मतलब भी सो जाना या मर जाना, तो लैमरटाइन में ये बात दोनों कनेक्ट आप कर लीजिए. तो द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फैलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल इज सेड बाय लैमरटाइन अबाउट जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट. Areopagitica is all about freedom of press, freedom of men, freedom of women, freedom of religion. So you know very well freedom of press. At what age Milton wrote his ode on the morning of Christ's nativity? कितनी एज में उन्होंने लिखा है? तो आपको अगर मालूम है कि 1629 में ode on the morning of Christ लिखा गया और 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ है, तो आप कैलकुलेट अगर कर लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 21, एट द एज ऑफ 21. द थीम ऑफ ए पैराडाइज लॉस्ट इज, द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, पैराडाइज लॉस्ट का थीम क्या है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मैन्स गोइंग टू हेल, सैटन्स ब्रेवरी, मैन्स रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड. तो मैंने आपको बताया था कि पैराडाइज लॉस्ट का जो सब टाइटल है वो है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. पैराडाइज लॉस्ट का सब टाइटल है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. द
The theme of Paradise Regained is, the theme of Paradise Regained is, Paradise Regained का theme क्या है दोस्तों? Satan's temptation on of Christ in wilderness, Satan's war between Satan and man, none of these, क्या है दोस्तों? इनमें से क्या theme है आप बताइए, मैंने आपको ये बताया हुआ है, correct theme क्या है? Satan's temptation of Christ in wilderness. तो पैराडाइज रिगेन का जो थीम है दोस्तों वो ये है, दोनों ही थीम आपको याद रखने हैं, पैराडाइज लॉस्ट का थीम टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन और पैराडाइज रिगेन का सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डनेस. तो याद रखिएगा दोस्तों दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन इन द वर्ड्स गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. देखिए मैंने आपको पहले बताया था, किसने कहा है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड मिल्टन के बारे में? द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. दो ट्रिब्यूट है, एक्चुअली ट्रिब्यूट तो एक ही कविता के हैं लेकिन दो अलग अलग सेंटेंस हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है ट्रिब्यूट के रूप में. गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड टेनिसन ने कहा है. द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज ये भी टेनिसन ने कहा है. एक ही सोनेट की ये लाइन्स है दोस्तों, तो दोनों ही लाइन्स अलग अलग है परंतु एक ही सोनेट की है, इंपॉर्टेंट है ये. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइन है मिल्टन के बारे में दोस्तों. तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार करते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए. जो ट्रिब्यूट्स हैं दोस्तों उनको याद कीजिएगा. मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी ट्रिब्यूट्स आपको मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच.